हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं आपके पार्टनर के कारण फीलिंग्स। आपके पार्टनर इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके मिडनाइट में उनके दिल में क्या चल रहा है, अगर आप उनके साथ बातें नहीं कर रहे हो तो आपके साइलेंस उसको कैसे फील करवा रहे हैं, पूरे चीज हम देखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, एंड तक देखिए, एक एक चीजों को ध्यान से सुनिए। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपके फीड में ये वीडियो आ रहा है तो डेफिनेटली ये आप ही के लिए बना है। लास्टली ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे तब ही आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, सोल बेस्ड रीडिंग है, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। एंड लास्टली देखिए, अगर आपके लव लाइफ के साथ इस वीडियो का वाइब्स मैच करते हैं डेफिनेटली ये इस वीडियो को आप देखिए। बट अगर आपको लगता है कि आपके लाइफस्टाइल कुछ और है, या फिर आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हो वो कुछ गलत किया है आपके साथ, तो शायद ये वीडियो उनके लिए नहीं है। मेरे ख्याल से आप जिसको प्यार करते हो उनके लिए है, तो फोर्सफुली वीडियो को रेजोनेट मत करवाइए। बहुत ज़्यादा वीडियोज है, हो सकते हैं ये वीडियो आपके लिए नहीं। बट जो अगर आप इंट्यूटिव हो और आप साइन को मानते हो, तो ये वीडियो आपके लिए आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, लास्ट एक बार फेक टैरो रीडर से बचिए। मैं कभी भी आपको मैसेज करके नहीं बोलूंगा कि मैं आपका रीडिंग करूंगा, या फिर मैं ऐसा नहीं हूं, मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा। पहले मैं पहले आपको रीडिंग प्रोवाइड करूंगा, वो भी एक डेट फिक्स करके, उसके बाद मैं रीडिंग करता हूं, प्राइवेट रीडिंग, बट उतना रैंडम नहीं करता हूं, क्योंकि टैरो रीडिंग बहुत सीरियस मसला है। ये आजकल के ज़माने में इतना ज़्यादा काइंड ऑफ कॉमन हो गया है, ऐसा आसान काम नहीं है। तो मैं योग करता हूँ, उसके बाद जिसका एनर्जी मेरे को लगता है उसी को रीडिंग करता हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए, और कहाँ पे मिलेगा आपका लिंक, अबाउट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लिंक अवेलेबल है। इंस्टाग्राम और फेसबुक में उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता हूँ, बट इंस्टाग्राम पे रहता हूँ। मैक्स टू मैक्स अवेलेबिलिटी नहीं रहता है, क्योंकि मेरे को मेडिटेट करना पड़ता है, बट फिर भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर यूनिवर्स आपको आप मेरे पास लेके आएंगे तो डेफिनेटली रीडिंग मिल जाएगा। और चार्जेस जो भी है वो है 599 rupees, 1 hour सेशन होता है। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट या फिर डिफरेंट कंट्री, सॉरी नॉट स्टेट, डिफरेंट कंट्री, देन $20 1 hour सेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं। स्टार एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, बहुत होपफुल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे, सेक्सुअल फीलिंग आ रहे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड पैशनेट फीलिंग है, आपको मिस कर रहे, पुराने मैसेजेस, पुराने फोटोज को देख रहे, उनके साथ आपका एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हुआ है या फिर होने के लिए वो सोच रहे हैं कि कैसे वो बात करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। ये पर्सन होपफुल है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। लेट्स सी और क्या कार्ड, पेज ऑफ कप्स, रिन्यू होप के साथ आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर हो सकते हैं यंगर है, या फिर आप उनसे बड़े हो 10 साल, 11 साल, 17 साल, या फिर वो छोटे हैं आपसे। बट ये पर्सन मैं देख सकता हूँ कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस की एनर्जी, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत क्यूट है, बहुत हंसते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत नॉटी जोक्स क्रैक करते हैं। कैसे इस पर्सन को पता चलेगा? ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आते हैं तब आप हंसना स्टार्ट कर देते हो, आपके मूड को एनहेंस कर देते हैं। बट बहुत ज़्यादा मतलब ही और शी इज़ अ बिग किड, यू नो, मतलब इसका एज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बट बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बात करते हैं, कभी बात नहीं करते, खुद के ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं, अजीब वो किस्म के काइंड ऑफ लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, बाहर जाना, पार्टी करना, मज़े करना, फन लाइफ एक लीड करना, ये सब पसंद है। कलर्स बहुत पसंद है इनको, बहुत ज़्यादा कलर्स पसंद है, और अक्सर ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं होते हैं। उसके बाद कार्ड्स नीचे गिर गया है, 5 of Swords, ये पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस लग रहा है। इस पर्सन के साथ आपका जब भी बात होता है तब भी एक बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स के साथ बात होता है। मेरे ख्याल से गुस्सा अभी भी नहीं गए है, बट फिर भी ये पर्सन जानते हैं एक चीज़ कि इसको गुस्सा, इसके गुस्से को इसको हटाना है, क्योंकि इसके गुस्सा ही इसका मेन रीज़न है। मैं देख सकता हूँ एक ऐसे पर्सन जो जानबूझ के आपके साथ बात नहीं कर रहे, और उसके वजह से आपके पूरे दुनिया गुम हो गया है, लाइक पूरे दुनिया काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि बंद हो गया है, लाइक आप बंद हो गए हो, स्टॉप हो गए हो। तो
ओवरऑल 3% के एनर्जी मेरे को दिख रहा है. लेट्स सी और क्या क्या एनर्जीज आते हैं यहाँ पे आते हैं. टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के भी एनर्जी आए हैं. मैं देख सकता हूँ एक पर्सन ऑन एंड ऑफ बिहेव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं. मैं देख सकता हूँ कि आपके शिकायतें हैं कि आपके पर्सन कभी आपको खोल के कुछ नहीं बताते हैं, सीक्रेट्स छुपाते हैं. फ्यूचर प्लान क्या है, कमिटमेंट कब देंगे, लाइफ में वो कैसे लीड करेंगे, आपको क्या वो प्रायोरिटी देंगे, क्या वो प्यार करेंगे, ये सब चीज़ को लेकर आपको अभी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए. और ये पर्सन यही सब चीज़ सोच रहे हैं. पिछले 2 साल से या फिर 2 महीने से आप दोनों के बीच में कुछ खास बातें नहीं हो रहा है, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में हो, बट अभी भी आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ वो कुछ आगे आके बात करेंगे. इसके फैमिली इसको बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं. मेरे ख्याल से आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हो और इसके फैमिली शायद आपको नहीं चाहते हैं एज अ वाइफ या फिर एज अ हस्बैंड. मैं देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट इसको करते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हो बट आप एक ऐसे पर्सन को पसंद करते हो जिसके एक ऑलरेडी फैमिली है. इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मना किए थे या फिर आप खुद को बहुत रोकने की कोशिश किए थे बट नहीं हो पाए. फाइनली आप लोग मिले और हो सकता है फिजिकली भी इंटीमेट हुए या फिर आप दोनों के बीच में ऐसा बात हुआ कि आप लोग मिलेंगे भी नहीं, सिर्फ बात करेंगे. बट धीरे धीरे ये काइंड ऑफ बढ़ता गया अट्रैक्शन और ऐसा हुआ कि आप लोग बहुत क्लोज हो गए. और उसके बाद जैसे ही क्लोज हो गए ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हुआ और तुरंत वो आपसे चले गए. मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ फेज में आप हो जहाँ पे आपको पता नहीं चले कि वो क्यों चले गए, वो क्यों अचानक बात करना बंद कर दिए और आपको लगता है कि उसके फैमिली के कारण शायद ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं. मेरे ख्याल से आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है ट्रस्ट को लेके. इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो और इमोशनल होने की वजह से बहुत ज़्यादा बातें हो रहे हैं. कुछ खास नहीं हो रहा है बट आप चाहते हो कि आपके पार्टनर थोड़ा सा टाइम दे आपको बट ये टाइम नहीं दे रहे. कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल, एक बहुत हैप्पी लव लाइफ, बट जब भी आप इस पे एफर्ट डालते हो दूसरे तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रहे तो आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड डिप्रेस्ड हो रहे हो आप. ऊपर से आपके पार्टनर ऐसा दिखा रहा है जैसे कि उसको कुछ हुआ ही नहीं, वो आपको बहुत कैजुअली दे रहे बट ऐसा चीज़ नहीं. उसके दिल में अक्सर आपको लेके ख्याल आते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा डरते भी है रिजेक्शन से क्योंकि इसको लगता है कि आप इसको छोड़ के भी अच्छा नहीं रह सकते हो. बट आपके अंदर अभी भी कुछ इमैच्योरिटी है जिसके कारण आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झमेला होता है. तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, आप थोड़ा सा उनको समझो, आप थोड़ा सा उनसे सुनो, आप थोड़ा सा अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो और कुछ हद तक अपने फिनेंस के ऊपर. बट आप बोलते हो कि आपके लाइफ में हमेशा आप एक ही पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिए हो, वो है आपके पर्सन. आप इनको अपना रब मानते हो, सब कुछ मान के इसको प्यार करते हो बट उसके लिए रेसिप्रोकेशंस नहीं मिलता है. आई थिंक आप दोनों के बीच में प्रायोरिटी रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है, बैलेंस रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है. अभी मैं देखूंगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच का डर क्या है, काइंड ऑफ नेगेटिव चीज़ें क्या क्या हो रहे हैं, कौन से कन्फ्लिक्ट्स है थर्ड पार्टी. मेरे ख्याल से आपके और आपके पर्सन के बीच में एक ही चीज़ है, थर्ड पार्टी. क्योंकि आप देखते हो कि आप अपने पार्टनर को जितना भी स्पेस देते हो, जितना भी कुछ करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पार्टनर रिटर्न होके बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे बट होता है पूरा उल्टा. आपके पर्सन बहुत डिफरेंट है. मेरे ख्याल से ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात नहीं करते, आपको छुपाते हैं, आपसे बाहर भी नहीं जाते हैं और अक्सर अपने टाइम पे कॉल, अपने टाइम पे बातें, अपने टाइम पे डेटिंग ये करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम आप बोर फील करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अकेले ही रहते हो. तो आप बोलते हो कि इस रिलेशनशिप के रह के मेरा फायदा क्या है. एक, आप नो कॉन्टैक्ट में हो फिर भी दूसरे पर्सन के साथ मूव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको एक होप है. दूसरा, रिलेशनशिप में हो बट आपके पार्टनर आपको कॉल भी नहीं करते, एक दो दिन के अंदर अंदर मैसेज करते हैं, बहुत लेट लेट रिप्लाई देते हैं. तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है कि कब ये पर्सन चेंज होगा, क्या वाकई में चेंज होगा या फिर आप मूव ऑन आपको करना है. ये काइंड ऑफ एक चीज़ है. थर्ड पार्टी रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा सोच विचार है कि क्या इसके लाइफ में कोई और है. इसके बाद है मैजिशियंस. देखिए, मैं देख सकता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा होपफुल भी हो रहे हो बट आप में से बहुत सारे लोगों को ना तो कोई मैसेज आ रहा है ना कोई कॉल आ रहा है. तो ऊपर से आपको डाउट फील हो रहा है कि क्या वाकई में ये सब चीज़ सही है, मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे पार्टनर क्यों वापस नहीं आ रहे, मेरे पार्टनर क्यों मेरे को कॉल या मैसेज नहीं कर रहे और कितना दिन आप वेट करेंगे. कहीं ना कहीं आप
आपकी एनर्जी इतना लो हो रहे कि ना आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, ना आप पॉजिटिव रह पा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आप अगर टैरोट पे आए हो तो आप डर नहीं सकते हो। यहाँ पे आप एक चीज़ सीखो, ये कोई मामूली सा टैरोट वीडियो नहीं है, ये एक फॉरबिडन विद्या है, गुप्त विद्या है। इस विद्या में आपको अपना डेस्टिनी क्रिएट करना है। अगर इस डेस्टिनी को क्रिएट आप करना चाहते हो तो आपको फियर से, यानी कि डर से, डर का मुकाबला करना होगा। प्रकृति जो है, नेचर जो है, ये आपको डराएंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे अनफेमिलियर एक्सपीरियंस आएगा, आपको लग सकता है कि नहीं आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट इसी को आपको जीतना है। अगर आप डर से भाग जाओगे तो कभी भी टैरोट जर्नी सक्सेसफुल आपका नहीं होगा। इसीलिए अक्सर ये होता है, बहुत लोगों को, मेरे को भी रिप्लाई आते हैं कि दादा कुछ नहीं हो रहा है। अरे कैसे नहीं होगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो इस जर्नी को। आप एक मैजिशियन हो, और मैजिशियन मतलब आबराकाडाबरा, मतलब जो आप बोलोगे आई विल क्रिएट एज आई स्पीक। तो अगर आप खुद ही नेगेटिव सोचोगे, खुद ही नेगेटिव बोलोगे और खुद ही डाउटफुल हो जाओगे तो कैसे यूनिवर्स आपको मदद करेंगे? आपको पॉजिटिव सोचना होगा। पॉजिटिव सोचना मतलब वो रैंडम गूगल से कोई हीलर आपको बोल रहे हो, वही चीज़ आप रट्टा मार के लिख रहे हो, ऐसा पॉजिटिव सोच नहीं होता है। पॉजिटिव सोचना मतलब 24 आवर्स एक बिलीव के साथ रहना होता है, 24 आवर्स एक विश्वास के साथ पूजा करना होता है, 24 आवर्स एक मैनिफेस्टेशंस के साथ आपको जीना होता है, जहाँ पे बिलीव होता है कि ठीक है भाई, टाइम कौन क्रिएट किया था? ह्यूमन यानी कि मनुष्य जो है वो टाइम क्रिएट किया था, बट टाइम हमारे हाथ में नहीं है, बट जो नतीजा है वो हमारे हाथ में है। तो असल टाइम पे, सही टाइम पे सही चीज़ आएगा। आप अपना काम करते रहो, सिलेबस या फिर एग्जाम के टेंशन मत सोचो। अगेन, टैरो रीडिंग मैगी नूडल्स नहीं है कि एक महीने से करने से हो जाएगा, दो महीने से हो जाएगा, आठ दिन में आ जाएगा, ये सब बकवास चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होता है चीज़, सालों भर वेट करना पड़ता है, किसी किसी के लिए दो तीन साल भी, बट होता है। रेगुलर प्रैक्टिस एंड रेगुलर जर्नी से आपके एनर्जी अपग्रेड होता है। तो ये अगर आपके दिमाग में है कि एक साल के अंदर ये मैं करूँगा, एक महीने के अंदर मैसेज आऊँगा, भूल जाइए, ये जर्नी आपके लिए नहीं है। अगर आप शिद्दत से ईश्वर को मान के, गाइडेंस को सुन के, एकदम प्रॉपरली खुद के जैसे एनर्जी को महसूस करोगे कि हाँ आप ये हो, लाइक आप अभी बहुत वीक हो, तो आपको भी पता है कि आपके पार्टनर भी वीक है, तो आप धीरे धीरे स्टेबल हो जाओ, आपके पार्टनर भी स्टेबल हो जाएंगे। हर चीज़ को लेके मिनिमम कम से कम टाइम आपको डेली आधा घंटा मेडिटेट करना होगा, एटलीस्ट 21 मिनट्स तो करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सिंपली सिर्फ आप लिखते जाएंगे, कलर चेंज करते जाएंगे, कैंडल जलाते जाएंगे, क्या होगा कैंडल जला के? इंटेंशन इज द मेन थिंग। मैनिफेस्ट करना सीखिए। जो डर है वो है कि आप मैनिफेस्ट ही ठीक से कर नहीं पा रहे हो। क्यों? बहुत ज़्यादा डाउट, एक के बाद टैरो रीडिंग देख रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो कब करोगे? मैनिफेस्टेशंस क्या है? एक पॉजिटिव रीडिंग लो, उसके लिए अपने सोच को उसके अंदर डालो, और साथ ही साथ वही सोच को लेके मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। कोई सेकंड थर्ड थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। ओके, लेट्स सी और क्या डर है। हार्ट ब्रेक का डर, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएंगे, हो सकता है आपको ऑलरेडी छोड़ के चला गया है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक चीज़ मानना है कि दुनिया में जो भी चीज़ आप करोगे उसका रिटर्न आएगा। तो अगर सच्चा दिल से मोहब्बत की हो, इसका भी रिटर्न आएगा। एक चीज़ विश्वास के साथ करना होगा कि आपकी यूनिवर्स आपके दोस्त है, दुश्मन नहीं है। तो जो चीज़ आपके लिए सही है यूनिवर्स आपके करीब लेके आएंगे, जो चीज़ आपके लिए गलत है यूनिवर्स कदापि आपके लाइफ में लेके नहीं आएंगे। एक्सेप्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, अपने डिप्रेसिव स्टेट से बाहर आइए। ओके, टैरो रीडिंग देख रहे हो मतलब रो के रीडिंग देख आपको देखना नहीं होगा, बिलीव करके देखना है कि ये रीडर कहना क्या चाहते हैं। आप डिप्रेस्ड हो, इस डिप्रेशन को आपको हटाना कैसे होगा? शैडो वर्क करना होगा। क्या शैडो वर्क? आपके नेगेटिव ट्रेट्स को जानना है। हाँ मैं हूँ इम्पेशेंट, हाँ मैं हूँ रफ, हाँ मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ मैं हूँ वीक, मेरे को दो तीन मैसेजेस चाहिए, मैं पॉजेसिव हूँ, ये चीज़ मानना आपको होगा। दूसरे पर्सन को भी कम जज करना होगा, क्योंकि आप भी एकदम प्रॉपर करेक्ट नहीं हो और दूसरे जो पर्सन है वो भी करेक्ट नहीं है। सोल जर्नी में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस एंड इंटेंशन। तो एक्सेप्ट कीजिए एक दूसरे को कि जो भी है जैसे भी है मेरा है,
मैं मैनिफेस्ट करूंगी या फिर करूंगा और अल्टीमेटली रिजल्ट्स यस ही आएगा। अगर ऐसे चलोगे ठीक है, अगर ये बोलोगे मैं क्यों करूंगा, वो क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों कर रहे, वो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, दिस जर्नी इज नॉट फॉर यू, ये जर्नी आपके लिए नहीं है। करेक्ट, अभी मैं देखूंगा कि आपकी ये जर्नी में कौन से अच्छे आउटकम आ रहे हैं, कौन से पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं इस जर्नी में, कौन से पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। पहला पॉसिबिलिटीज किंग ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट, शादी एंड एट द सेम टाइम एक लॉन्ग टर्म परमानेंट लिविंग रिलेशनशिप। यहाँ पे एक चीज मैं बोल सकता हूँ, आपके पार्टनर आपके लिए स्टेप भी लेंगे, आपको सिक्योरिटी भी देंगे। डिवोर्स के लिए अगर सोच रहे हो तो डिवोर्स कैंसिल हो जाएगा, आप इस पर्सन को मोल्ड कर पाओगे, ये पर्सन आपके सामने आके सॉरी भी बोलेंगे, मदद भी करेंगे और आपको समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, टावर, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। देखिए आपको भी पता है कि ये पर्सन और आप जैसे चल रहे हो ऐसा सही नहीं हो रहा है, कुछ बहुत मेजर चेंजेस आना जरूरी है। आपके पर्सन को आपको समझना जरूरी है, ये पूरे सिचुएशंस को समझना जरूरी है। तो टावर मतलब क्या है कि दोनों नो कॉन्टेक्ट में हो, अभी दोनों को एक करवा रहे हैं यूनिवर्स, और इसको ऐसे कॉल करके मैसेज करके नहीं, सडन होगा, सडन मेजर चेंजेस होगा, बहुत स्केरी लगेगा आपको, बट आखिर में आप थैंक्स बोलोगे मेरे को नहीं यूनिवर्स। चलिए देखता हूँ और क्या कार्ड्स आते हैं। वाओ, कार्ड्स फिर से गिर गया, लेट्स सी। और ये कार्ड्स है फाइव ऑफ कप्स, एंड जो चीज आपको लग रहा है कि ये कंप्लीट एंड हो गया है, ये पूरा एंड नहीं है, पिक्चर अभी भी बाकी है। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत डिप्रेस्ड हो, और ऐसे डिप्रेस्ड मत रहो, आपको अभी भी पता नहीं कि रिकवरी बोल के भी एक चीज होता है, हीलिंग बोल के भी एक चीज होता है, प्रेयर्स बोल के भी एक चीज होता है। और जब कोई भी आपके लिए अनकंडीशनल प्रे करते हैं, फिर आप किसी के लिए अनकंडीशनल प्रे करते हो, तो दुनिया का मुश्किल से मुश्किल का काम बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए प्रेयर्स में बिलीव कीजिए, डेस्टिनी पर बिलीव कीजिए, अपने मैजिक के ऊपर बिलीव कीजिए, दूसरों के मैजिक के ऊपर नहीं, आप खुद के मैजिक के ऊपर। चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स का साइन क्या क्या आ रहा है इस रीडिंग में, यानी कि फ्यूचर में क्या दिख रहा है, कैसा रहेगा फ्यूचर। पहला साइन यहाँ पे आ गया है वन साइडेड लव, यानी कि ये जो रिलेशनशिप थे, ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा वन साइडेड था इन द पास्ट। कहीं ना कहीं आप दोनों, आपको पता है कि वन साइडेड वे में आप इस पर्सन को प्यार कर रहे थे और सेपरेशन में भी थे, लाइक आप ही वो जो इतना कुछ कर रहे हो, वो उसके तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, लिव इन द प्रेजेंट। तो आप लोगों को यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपने प्रेजेंट जर्नी के ऊपर फोकस करो, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ रहे गो आउटसाइड, लुक बियॉन्ड द इल्यूशंस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, घर के अंदर रह रहे हो, यूनिवर्स आपको बोल रहे कि बाहर जाओ, लोगों से मिलिए, दोस्ती बनाइए, एंड आप खुद के बारे में आपको बहुत कुछ चीज़ पता चलेंगे कि आप जितना आप सोच रहे हो उतना खराब आप नहीं हो, आप उनसे काफ़ी बेटर हो एंड बहुत अच्छे हो, एंड यू आर गुड एनाफ। तो आपके लिए एक सलाह ये है कि जो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो वो चीज़ आप देखना आपको होगा। कहीं ना कहीं जो चीज़ को आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म, बट वो ख़त्म नहीं है, बाहर जाके देखो, आपको सुराग मिलेगा। और क्या मिल रहा है, सुराग देख लेता हूँ और क्या साइन आ रहा है। यहाँ पे साइन आ रहा है कि रिलैक्स एंड लेट गो, कुछ टाइम के लिए पास्ट को लेट गो करना होगा, कुछ टाइम के लिए हार्टेक को लेट गो करना होगा, नहीं तो आप प्रेजेंट में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आ रहा है इट्स अ ट्रू लव, इट्स अ ट्रू लव, थोड़ा सा ब्रेकअप ले रहे हो, बट आप दोनों इस टफ सिचुएशंस से आगे जाओगे एंड एक हेल्दी स्टेबिलिटी आपको आएगा। ये कार्ड्स भी आ रहे थे फियर्स ऑफ कमिंग आउट टुगेदर, ये बहुत ज़्यादा डरते हैं फैमिली को लेके, बट ये आपको थैंक यू भी कह रहे हैं, और आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये ऑनेस्ट है, और आप दोनों के जो प्यार है ये प्यार एकदम प्रॉपर सच्चा प्यार है। दिस इज द ट्रू लव। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ट्रू लव 1111, एंड हिंदी में भी लिख सकते हो सच्चा प्यार, बंगाली में लिख सकते हो प्रकृत भालोबाशा 1111।
ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक हो। आई होप आप सब लोगों को कल एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिले। मैं आपके लिए प्रे करूँगा और मैं करता भी हूँ, ये चीज़ बोलने के लिए नहीं होता है। एंड जो भी गुड न्यूज़ मिलेंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बोल देंगे। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो है रियल अकाउंट है, मेरे यूट्यूब में लिंक है, उस पर जाइए, वो है टैरो टनीवन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।